नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो हम आए हैं यहाँ पर गांव मनवट खानपुर में। यहाँ पर जो श्रद्धालुगण हैं, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, उनका मानना है कि यहाँ का एक नल है जिसका पानी पीने से हज़ारों बीमारियाँ ठीक हो रही है। तो क्या कुछ हकीकत है, जानने की कोशिश करेंगे हम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन तोमर है जी। आप कहाँ से हो सर? मेरा गाँव यहीं पर पास में जावन पड़ता है, 1 किलोमीटर। तो सर, ये जो चमत्कारी पानी बताया जा रहा है, जिससे बताया जा रहा है कि काफ़ी बीमारियाँ ठीक हो रही है, इसके विषय में आप दर्शकों को बताइए, क्या जानकारी? देखिए, यहाँ पे जो ना गांव था एक मनवट, और ये वट वृक्ष भी मनवट के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या था, एक कुआ था पुराना ही, और उस कुएँ को तो अभी लगभग 2 साल पहले बंद कर दिया था। यहाँ पे पशु वगैरह गिर गए थे, इसलिए बंद कर दिया था। तो प्रधान ने, यहाँ खानपुर गांव पड़ता है पास में ही, वहाँ के प्रधान ने यहाँ पर नल लगवाया था। नल का पानी अभी 2-2.5 महीने पुरानी बात है, पब्लिक आनी शुरू हुई थी कि हमें फ़ायदा मिल रहा है, ये है वो है। उसके बाद देखा पानी हमें भी थोड़ा सही लगा, गैस, तेजाब, कब्ज बिल्कुल समस्या दूर कर रहा है, और आपका शुगर में भी आराम है, और कोई गंभीर बीमारियों में तो ऐसा हम नहीं बोल सकते। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे डायबिटीज़ है, या फिर कुछ तो दावा कर रही है कि जैसे बहुत गंभीर बीमारी, कैंसर तक का इलाज कर रहा है, पैरालिसिस। नहीं देखो, डायबिटीज़ तक सही है, लेकिन पैरालिसिस इन भाई साहब की मम्मी को था, ये 2 महीने से ले जा रहे हैं, पैरालिसिस में तो आराम नहीं है। सर, आपका क्या नाम है? सचिन सोम जी। मम्मी को 2 साल पहले पैरालिसिस हुआ था, तो हमने भी यहाँ पे सुना, हल्ला मच रहा था कि यहाँ पे भाई बीमारियाँ ठीक हो रही हैं, लेकिन हमने मम्मी को अपनी पानी पिलाया तो उसमें तो कुछ आराम लगा नहीं। पैरालिसिस और जैसे कैंसर वगैरह बीमारी है, इसमें कोई आराम नहीं है। जो पेट से संबंधित बीमारियाँ, गैस, तेजाब, उनमें ये आराम कर रहा है बस। तो ये जो पानी है, जैसे यहाँ पर रिसर्च हुआ है, जैसे जांच विभाग की टीम ले गई थी, तो इस पानी में कोई मेडिकल प्रॉपर्टी पाई गई है? मेडिकल प्रॉपर्टी कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई ऐसी गंभीर बीमारी ठीक करता तो हम मानते कि कोई मेडिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये पानी जो है हल्का है, इसका TDS जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, जो होना चाहिए पानी का, बस ये। तो आपने पानी पिया यहाँ का? हाँ, पानी पिया मैंने, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा ना, तो पहली बात तो कोई ऐसी बीमारी भी नहीं थी जो मैं रिसर्च करता कि हाँ ठीक हुई कि नहीं। बाकी पानी हल्का है, हाँ पानी को हम मान सकते हैं कि वो पेट संबंधित बीमारी ठीक करता है बस। कोई अपाहिज हो, कोई हड्डी टूटी हो, उसे ठीक करे तो चमत्कार मानते भी हम। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर पिछले 2 महीने से लोग आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि चमत्कारी पानी पीने से उनकी जो चर्म रोग है, पेट दर्द है, हड्डियों का दर्द है, बहुत सारी बीमारियों का ठीक होने का दावा कर रहे हैं, उस तरीके से उन चीज़ों का खंडन कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जैसा कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, इनका कहना है कि उसमें उतना फ़ायदा नहीं है। तो हालांकि यहाँ पर पानी का जो TDS है वो हल्का है, जिसकी वजह से पेट की जो गैस, एसिडिटी वगैरह है, उसमें फ़ायदा हो रहा है। तो हम इन सर से बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा गौरव सोम नाम है, मैं उसी गांव से हूँ, जावन से ही, और आज मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पानी चमत्कारी है, ये है मेन है, प्रॉब्लम होती है पानी की, जिससे हमारी गैस वगैरह ठीक हो जाती है। इसका TDS एक सटीक है, अप्रोक्स 128 के लगभग इसका TDS आ रहा है। जो हम RO वगैरह लगा के करते हैं, वो TDS इसका और नेचुरल है, बस उसी का फ़ायदा है, बाकी और कुछ नहीं है। कि बोलने लगे कि भाई कैंसर ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी आप देख सकते हैं आके, मुझे तो लगता नहीं कि कोई ज़्यादा चमत्कार है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर मतलब पानी पीने के लिए आए हैं, या फिर पानी लेने के लिए, क्या करने? मैं तो ऐसे ही आज आया, मेरे खेत है यहाँ पे, मैं तो अपने खेत पे आया था, तो उसी के पर्पज़ से मैं यहाँ। अभी भाई हैं, भाई आए हुए थे, भाई से मिलने आया हूँ मैं तो। अच्छा, तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो इसका TDS है वो नेचुरली एक्यूरेट है, जिसकी वजह से हल्का है। जैसे पानी को फिल्टर किया जाता है RO से, ऐसे ही यहाँ का अनफिल्टर्ड पानी बिल्कुल फिल्टर है, अच्छा खासा उसका TDS है एक्यूरेट, जिसकी वजह से जो पेट की बीमारी है, खासकर गैस, एसिडिटी, उसमें फ़ायदा होता है। और जैसा बोला जा रहा है कि हज़ार श्रद्धालुओं के द्वारा और कमेटी के लोगों के द्वारा कि यहाँ पर चमत्कारी पानी है, उसको पीने से फ़ायदा हो रहा है, उन चीज़ों का यहाँ पर खंडन कर रहे हैं, और इनका कहना है कि चमत्कार तो नहीं है।